नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। आज हम मानिकपुर आए हुए थे जो कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, और हम धान की नर्सरी देखने के लिए आए थे। आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है नर्सरी। तो चलिए किसान जो भैया हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो आप मन सबसे पहले अपन परिचय बता दो, आप मन कहाँ से और मतलब। मोर नाम नवल किशोर है, ग्राम मानिकपुर के यहाँ। हाँ हाँ। कवर्धा जिला बोडला ब्लॉक। अच्छा, बोडला ब्लॉक के अंतर्गत आते नहीं गाँव। और आप मन कितने कितने एकड़ में खेती कर रहे थे आप मन? 2 एकड़ में धान। अच्छा, 2 एकड़ में धान की खेती कर रहे थे। ये जो अभी अपन नर्सरी देखा था नहीं वाले, वो है कौन सा धान है? 90-90। हाँ, 90-90। और अपन पिछले साल कौन सा धान लगा रहे हो? 23-55। 23-55 VNR के। हाँ। अच्छा, वो मतलब वो कैसे, कितना उपज आ रही है पिछले साल? 35 क्विंटल एकड़। अच्छा, 35 क्विंटल के आसपास उपज आ रही है। तो वाला चेंज करे एक वजह का है जो अपन 90-90 लगाए हैं? चेंज करे एक वजह है, कंसी हल्का हल्का कटे पके समय कटेल चालू हो गई। अच्छा, कंसा काटते दाना। अच्छा, दाना कटेल धर ले रही है, ठीक। तो उखर वजह से 90-90 चेंज करे हो। ये कितने दिन की फसल है जो 90-90 है? 125 से 30 दिन। 125 से 30 दिन की फसल है, ठीक। आपके नर्सरी तो बहुत अच्छा लगा थे। और ये मतलब पिछले साल के नर्सरी जो अपन तैयार कर रहे हैं वो अच्छा रही इसकी, अभी की जो नर्सरी लगाए दोनों बराबर? दोनों अच्छे है ना। और क्या बोलते हैं, नर्सरी लगाए तो कैसे टाइप से तैयारी कर रहे हैं? खैर, फर्स्ट अब पहले जोता है 2 बार। अच्छा, पहले जुतवाई कर रहे हैं खेत के 2 बार। हाँ हाँ। उसके बाद खातू, गोबर खातू। हाँ हाँ हाँ। उसमें गोबर खातू धान सिंचाई करे एक बात डाले एक बात, उसको बराबर मात्रा में हल्का हल्का कुदरी में गुलाल पड़ता है। अच्छा, कुदरी में मतलब बराबर ऐसे बराबर करना पड़ता है ना जोताई के बाद। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद थरहा। हाँ हाँ। उसके बाद गोबर खातू ऊपर में सींचे जाते हैं। हाँ। ओखर बाद पल्लो। हाँ हाँ। और DAP और राखड़ हल्का हल्का मात्रा में। हल्का हल्का यूरिया, DAP और राखड़ डालना है ना। और ये वाले काम जो के बार करे हैं अपन यूरिया DAP वाले? 2 बार। 2 बार डलवाए ना, बीच बीच में 2 बार। हाँ हाँ। दवाई कीटनाशक। हाँ हाँ। उपयोग करना पड़ता है। अच्छा, तैयारी करने के लिए। हाँ। और अपन इधर ट्रांसप्लांटिंग लगाऊँ कब, इधर रोपण कब करूँ? 25 दिन के अंदर लगना चाहिए। 25 दिन मतलब 20 से 25 दिन के अंदर का बीच में लगना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये साल के नर्सरी मन कैसे लगा था? आप मन तो देखा था मतलब सब जगह नर्सरी कैसे? बीमारी बहुत है इस साल, गर्मी के कारण। हाँ हाँ। धान धूप के कारण बहुत बीमारी आया है, तो 2-3 बार किसान जाने दवाई के प्रयोग करना पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा दवाई के उपयोग करे लगत है ना। तो अपन यहाँ जो लगवा था ना अपन धान वान, वहाँ यहाँ के रेट का है? अपन जो अपन रोपा लगा था तो यहाँ बहुत में 56-57 सौ पर। अच्छा, बहुत ज़्यादा आते मतलब कास्ट लगाए के लागत आ रहा है, 56 सौ के आसपास आते हैं ना। हाँ। बहुत ज़्यादा आते। और ये साल पानी वानी का हाल चाल सब बढ़िया? पानी तो अभी बहुत कम गिरा थे। हाँ हाँ, ठीक। आपके नर्सरी तो बहुत अच्छा है और आप मन अच्छा किसान भी है, मतलब बहुत अच्छा खेती करें। 35 क्विंटल आ रही है मतलब VNR 55 है ना। हाँ। बहुत अच्छा उपज आ रही है इसे, ठीक। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। किसान भाई, हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, और जो ज़रूरतमंद किसान है उसको ज़रूर शेयर करें, धन्यवाद। और ये आप देख ही सकते हैं जो हमारे नवल भैया हैं जो किसान हैं उनके द्वारा ये नर्सरी लगाया गया था, कैसी है ज़रूर कमेंट करके बताएं, धन्यवाद।